hello, good morning all. welcome to this e-class on the topic thermodynamic and kinetic aspect of metal complexes. so in the past lecture, we went through the factors, effect of factors pertaining to central metal ion on the uh, rate and reaction mechanism of substitution reaction, like uh, charge on uh, the metal ion, size of the metal ion, distortion in geometry, and the electro electron configuration of the metal ion.

हव ओवर हेयर वी डिस्कस अ रिएक्शन फॉलोइंग शोन हेयर ऑन द स्क्रीन सो वॉट वी फाइंड इज दैट दैट लीगेंस ए एक्स एंड वाई द कैन इन्फ्लुएंस द रेट एंड मैकेजम ऑफ द रिएक्शन तो जब इन फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट इज द लीगेंट स्पेसिफिसिटी विशिष्ट लीगेंट है ना तो किस तरह से कि प्रजेंस ऑफ पॉलिडेंटेड लीगन ठीक है Uh, uh, details, uh, view, तो जो जैसे कोबाल्ट्री कॉम्प्लेक्सेस के कॉम्प्लेक्सेस को वी हैव स्टडीड इन डिटेल्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू तो व्हाट वी फाइंड इज दैट कि जब कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्सेस के अमीन ग्रुप को किसी चिलेट इथिलीन डाइमीन ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है तो रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिस डिक्रीजेस है ना वी कम टू द नेक्स्ट दैट इज सब्सिट्यून प्रेजेंट ए की बात करते हैं बट नॉट रिप्लेस्ड है ना

and the second is those ligands which, which are having a positive effect so due to electron supply the electron density on the metal ion increases resulting into the shifting of electron pair between the metal and the leaving ligands towards the ligand you know so what happens this results into the weakening of the bond and hence it promotes the dissociative mechanism so, as the electron supply of A diminishes, the ability to promote a dissociative mechanism also diminishes. And, this kind of substitution takes place by dissociative mechanism. So, conversely, a group which can withdraw electron from the metal ion can promote a, an associative mechanism. Why? Because the creation of electron deficiency is conducive to the इनकमिंग लीगेंट है ना तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आ, किसी भी अभिज्ञा की जो गति है वो उसकी लीगेंट की सिस या ट्रांसपोजिशन की स्थिति की अपेक्षा उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है तो दो क्लासेज में हमने लेगेंस को डिवाइड किया एक तो वो लिगेंड्स जो कि मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं और दूसरा जिनकी की विपरीत प्रवृत्ति होती है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो लिगेंड द्वारा धातु को इलेक्ट्रॉन दिए जाने पर क्या होगा मेटल आयन पर सेंट्रल मेटल पे पर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो परिणाम स्वरूप जो है जो प्रतिस्थापित होने वाला लिगेंड है और मेटल आयन के जो बीच में जो शेड पेड ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लीगिन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने लग जाता है तो मेटल लिगिन बॉन्ड जो है वो वीकेंड हो जाएगा कमज़ोर पड़ जाएगा तो इस कारण से डिसोसिटिव मैकेनिज़्म को प्रोत्साहन मिलता है ना? हाँ। अब लीगिन एल की इलेक्ट्रॉन डोनर प्रवृत्ति कम होने पे क्या होगा कि डिसोसेटिव मैकेनिज़्म को कम फेवर मिलता है उसकी प्रवृत्ति भी घटती है और जो सब्सटीट्यूशन है वो आई टी मैकेनिज़्म के द्वारा होने लग जाता है ना तो यहाँ पे हमने एक ऑर्डर और दिया है लिगेंस का जिसमें कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता में कमी का हमने क्रम बता दिया है आपको इसके विपरीत धातु से इलेक्ट्रॉन वापस खींचने लेने वाले लिगेन क्या होंगे वो मेटल आयन पे धातु पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो एंटरिंग लीगेंड है वाई उसमें मेटल आयन के साथ अतिरिक्त बंध बनाने की प्रवृत्ति पड़ जाएगी और उस स्थिति में जो अभिक्रिया का प्रतिस्थापन है वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म के द्वारा होगा तो दोनों पोजिशन्स को हमने आपको यहाँ पे वी हैव शोन हेयर बाय द फिगर नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ द लीगेंड टू बी सब्सटीट्यूटेड ठीक है ना तो देर इज एम सॉरी देर इज अ स्ट्रॉन्ग रीडिपेंडेंस ऑन द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप एज यू कैन सी ऑन द रिएक्शन यहाँ पे हमने एक आपको रिएक्शन बताया है तो एक जो ये ऑर्डर दिया है आपको ना तो ये क्या है यह एक्स लिगेंड के प्रतिस्थापित होने की का यह क्रम है ना तो स्पष्ट है कि जिन लिगिन में अपने से ट्रांस स्थान वाले लिगिन को प्रतिस्थापित करने की अत्यधिक प्रवृत्ति पाई जाती है उनको अपने स्थान से विचलित करना जो है बहुत कठिन होता है है ना यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रांस एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर देम सेल्स डिफिकल्ट टू डिसलॉज तो चिलेट लिगन आर यूजली रिप्लेस्ड विद मोर डिफिकल्टी देन दूनिडेंटेड लिगन एक तंत्र लिगन की अपेक्षा पॉलिडेंटेड लिगन जो है उनको उस प्रतिस्थापित करना सब्सिट्यूट करना रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है सब्सिट्यूशन ऑन लीगेंस ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ बॉन्ड क्लीवेज नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज एंटरिंग सब्सटीट्यूंट वाई सो इट इज डिफिकल्ट टू सेटअप अ स्केल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक पावर बिकॉज ऑफ द ओवर राइडिंग कॉम्प्लेक्सिंग पावर ऑफ वाटर एक्सेप्ट वाई द रेट ऑफ सब्सिट्यूशन ऑफ एन एक्वो कॉम्प्लेक्स अधिकांश अभिग्रह में क्या होता है कि उनको हम एपस मीडियम में स्टडी करते हैं तो जल की स्वयं की जो है कॉम्प्लेक्सेशन की टेंडेंसी अधिक होने के कारण आ, एंटरिंग लिगेंड को उनके न्यूक्लियोफिलिक पावर के बेसिस पे हम एक सीरीज में आ, प्लेस कर सकते हैं जैसा कि हमने एक आपको यहाँ पे एक ऑर्डर बताया हुआ है ठीक है तो नाउ वी कम टू द चार्ज ऑन लीकेंड ग्रेटर इज द चार्ज ऑन द लीकेंट विथ ग्रेटर फोर्स इट विल बी अबाउंड टू द सेंट्रल मेटल आयन एंडहैन्स डिसोसिएटिव मैकेनिज्म विल बी अनफेवरेबल एंड द रिएक्शन विल टेन टू प्रोसीड बाय एसोसिएटिव मैकेनिज्म लेकिन फिर जितना अधिक आवेश होगा वह मेटल आयन के द्वारा उतना ही अधिक बल के द्वारा आकर्षित होगा तो जो डिसोसिटिव मैकेनिज्म है वो उतनी ही प्रतिकूल हो जाएगी कम टू द साइज ऑफ द लीगन यानी कि अब हम किस को डिस्कस कर रहे हैं स्टेडिक इफेक्ट को स्मॉलर इज द साइज ऑफ द लीगन द अटैकिंग लिगेंड कैन अप्रोच वेरी नियर टू द मेटल फेवरिंग एंड एसोसिएटिव इफ़ लार्जर लिगन आर ऑलरेडी बाउंडेड टू द मेटल दे विल फील रिपलशन ड्यू टू वन अनादर एंड ड्यू टू बॉन्ड वीकनिंग मैकेनिज्म नाउ विल बी फेवर्ड ओके okay. तो मतलब जो भी प्रतिस्थापित लिगेंड है वाय उसका आकार जितना छोटा होगा उतना ही मेटल आयन के निकट उसमें पहुंचने की प्रवृत्ति पाई जाएगी जो कि एसोसिटिव मैकेनिज्म के अनुकूल है लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स में बड़े आकार के लिगेंड अगर प्रेजेंट हैं तो प्रतिस्थापित होने वाले लिगेंड एक्स को उतना ही अधिक प्रतिकर्षित करेंगे जिससे कि एम एक्स कमज़ोर हो जाएगा और जो कि किसके डेसोसिटिव मैकेनिज्म के अनुकूल है Uh, so, size of the leaving, uh, leaving group. Here we can see size of the leaving group also affects the rate of and mechanism of the reaction. So, consider here uh, the example shown here on the screen. Mm. So

On the reaction rate and mechanism. Now we come to the solvent effect. Water is a very common solvent for most of the reactions of coordination compound, but it itself has a strong coordinating tendency due to which it may be it may participate first in the reaction to form equated intermediate, which then gives the final product after dissociation. So the involvement of water in the substitution reaction. Is likely to affect the rate and mechanism of the reaction. So, apparently, a study of reaction in non aqueous solvent would obviate this problem. So, the very few systematic studies which have been undertaken uh, of the reactions in a variety of solvent emphasize the key, key role that solvents play in the reaction of coordination compound. Okay? तो ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए जल जो है हम एक हम हम इट इज़ अ कॉमन सॉल्वेंट क्योंकि पर खुद जो है एक अत्यधिक कोऑर्डिनेशन टेंडेंसी के कारण यह पहले तो अभिक्रम में भाग लेके एक एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर इसका डिसोसिएशन होके जो है अंतिम उत्पाद प्राप्त होगा तो नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स के उपयोग से इस समस्या का हम खुद ही समाधान ढूंढ पाते हैं तो विभिन्न विला, विलायकों का जब उपयोग करते हुए किसी रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं तो यह तथ्य सामने आता है कि विलायकों में अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने की अत्यधिक क्षमता होती है सो द इफेक्ट ऑफ वेरियस चेंजेस मेड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस हैव बीन समराइज्ड हियर इन द टेबल शोन हियर सो यू कैन सी दैट Mm, changes made in the column or um, one first column is changes made. When increase size of central metal ion, the dissociative rate increases and dissociative rate increases. Increase positive charge on the metal. Uh, increase the decrease the dissociative rate and uh, opposite effect have been found on the dissociative rate. And similarly. Increase in the negative charge of entering group. No effect is found on the dissociative rate, but associative, associative rate is found to be increased. Increased size of entering group uh, doesn't have any effect on dissociative rate, but it decreases the associative rate. And, uh, similarly, uh, increased negative charge of leaving group decreases the dissociative rate and also decreases the associative rate. Increased size of leaving ligand jo hai increases the dissociative rate while decreases the associative rate. Similarly, increased negative charge of other ligand increases the dissociative rate and decreases the associative rate. And uh, similarly, increased size of other ligands increase the dissociative rate and decrease the associative rate. So, this is a concise effect of various changes on the rate of reactions. So, in the next lecture, uh, we will discuss the substitution reaction in square planar complexes. So, see you there. Goodbye.